हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार और स्वागत है आप सभी का हमारी फ्री वीडियो कोचिंग क्लासेस में। जो आज का वीडियो का टॉपिक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे इडियम्स, जिसकी कैटेगरी होगी आपकी ऑब्जेक्ट, वेपन, एनिमल एंड पेयर। सो इससे पहले जो हमने कैटेगरी डिस्कस की है, जो वीडियो मैंने डाली है, उसमें हमने डिस्कस किया था इडियम्स जो आपके कलर से रिलेटेड इडियम हमने डाल दिए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, और ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड भी डाल दिए हैं, तो वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर। और फूड से रिलेटेड भी आपके जितने जो हैं इडियम्स हमने सारे के सारे डाल दिए हैं। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं, और हमारे चैनल पर भी विजिट करके आप इन वीडियो को देख सकते हैं। सो आज की कैटेगरी है वेपन, पेयर एंड एनिमल। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं कैटेगरी आपसे, इनसे जो अक्सर इडियम्स आपसे पूछे जाते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल के नए व्यूवर्स हैं, हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जो वीडियो की अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। एट डैगर्स ड्रॉन, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट और वेपन से रिलेटेड जो है इडियम्स हम डिस्कस कर रहे हैं। एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है आपका कि किसी से दुश्मनी होना, कड़ी दुश्मनी होना। एट डैगर्स ड्रॉन, यदि दो व्यक्ति एट डैगर्स ड्रॉन की कंडीशन पे हैं, मीन्स उनके बीच में क्या है, दुश्मनी है। मीन्स टू हैव बिटर एनमिटी। दे हैव बीन एट डैगर्स ड्रॉन फॉर वीक्स ओवर टैक्टिक्स। तो एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब है आपका दुश्मनी होना। एड फ्यूल टू द फायर और फ्लेम, किस तरह से भी पूछा जा सकता है आपसे। तो इसका मतलब होता है आपका कि जो आपके हालात होते हैं, ठीक है, उनको पहले से और ज़्यादा बिगाड़ देना या बदतर बना देना पहले से ज़्यादा, ठीक है। मीन्स जो आपका मैटर है उसको और ज़्यादा वर्स बना देना, मीन्स टू मेक मैटर वर्स होता है एड फ्यूल टू फायर का मतलब। जैसे एग्जाम्पल है, पीपल आर ऑलरेडी अनहैप्पी एंड इफ द गवर्नमेंट अलाउज ऑयल प्राइसेस टू इंक्रीज इट विल जस्ट बी एडिंग फ्यूल टू द फायर। जो लोग हैं वो क्या है, पहले से ही परेशान हैं, यदि ऐसे में गवर्नमेंट जो है फ्यूल के प्राइस को इंक्रीज करेगी तो वो क्या करेगी, जो हालात हैं उनको पहले से और ज़्यादा बदतर बना देगी। नेक्स्ट है आपका एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है कि आप पत्थर फेंकोगे ज़्यादा से ज़्यादा वो कितनी दूर जाएगा, बहुत कम दूर जाएगा, ठीक है। तो एट स्टोन थ्रो का मतलब होता है बहुत ही नियर, नज़दीक आप बोल सकते हो, वेरी नियर या फिर नियर बाय। माई ऑफिस इज लोकेटेड एट अ स्टोन थ्रो फ्रॉम माई हाउस, मतलब जो मेरा ऑफिस है वो मेरे हाउस से बिल्कुल नज़दीक है। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का मतलब होता है कि खुद के बारे में ही शेखियां मारना, मीन्स खुद की प्रशंसा करना, हिंदी में इसका मतलब है खुद की ही प्रशंसा करना। मीन्स टू प्रेज वन सेल्फ मीन्स खुद की ही प्रशंसा करना। बर्न अ होल इन वंस पॉकेट का मतलब होता है आपका कि जल्दी से पैसा खर्च कर देना मीन्स मनी स्पेंट क्विकली। बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स का मतलब होता है आपका कि जो आपके सोर्सेज हैं, ठीक है, उनको बहुत जल्दी जल्दी से क्या है, इस्तेमाल करना, उनका यूज करना, कंज्यूम करना बहुत जल्दी से। एक और मतलब होता है आपका बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स का मतलब कि पूरी एनर्जी से, ठीक है, मेहनत करना बिना रुके, ठीक है, पूरी एनर्जी से मेहनत करना। सो मीन्स साधन या फिर ऊर्जा का अति इस्तेमाल करना, उसे उसके लिए यूज़ होता है बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स। मीन्स
टू यूज वंस रिसोर्सिस और एनर्जी इन एक्सेस। यदि आप देर रात पढ़ाई करते हो और सुबह जल्दी उठ जाते हो, ठीक है, तो इस केस में आप बोल सकते हो कि बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स, ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब होता है आपका कि होता है ना, कुछ एक व्यक्ति होते हैं जो मान ले किसी झगड़े वगैरह में क्या होता है कि दोनों पक्ष की तरफ की जो है बातें करते हैं, इधर की भी और उधर की भी, मींस एक ही समय पर, तो उनके लिए यूज़ कर सकते हैं हम ब्लो हॉट एंड कोल्ड, मींस एक ही वक्त पर पक्ष में और विरोध में बात करना, ठीक है, किसी मैटर के, ठीक है, पक्ष में और विपक्ष में एक ही समय पर रहकर बात करना, उसके लिए यूज़ होता है ब्लो हॉट एंड कोल्ड, मींस टू स्पीक इन फेवर एंड अगेंस्ट एट सेम टाइम। कॉल अ स्पेड एंड स्पेड, कॉल अ स्पेड एंड अ स्पेड, यहां भी ए आएगा आपका, अ स्पेड, इसका मतलब होता है कि भाई बिल्कुल खुल के बोल देना कोई बात, मिली आपके मन में ये डर नहीं होगा, कोई शर्म नहीं होगी, किसी बात को खुल के बोल देना, स्पष्ट रूप से बोल देना, या फिर आप बोल सकते हो खरा खरा बोल देना, हिंदी में इसका मतलब है, मीन्स टू स्पीक प्लेनली या फिर टू स्पीक फ्रेंकली या फ्रेंक, इसका मतलब होता है कॉल अ स्पेड एंड अ स्पेड। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी के लिए यूज किया जाता है जिसमें जो आपके रिवॉर्ड, ठीक है, और पुनिशमेंट साथ साथ हो, उस पॉलिसी के लिए हम यूज करते हैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, मींस रिवॉर्ड एंड पुनिशमेंट रूल। गेट इनटू हॉट वाटर्स, गेट इनटू हॉट वाटर्स, भाई यदि आप गर्म पानी में गिरोगे इसका मतलब क्या है, आपको तकलीफ होगी, मींस आप क्या होगे, मुसीबत में पड़ जाओगे, मुसीबत में पड़ना, हॉट वाटर का मतलब होता है गेट इनटू हॉट वाटर्स, मींस गेट इनटू ट्रबल। गिव वन अ रोप, मींस किसी को बोलते हैं ना कि खुली छूट दे देना किसी को, भाई आप जो करना चाहते हो करो, कोई रोक टोक नहीं है, मींस किसी को बोल सकते हो आप कि गलती करने देना, गिव वन रोप आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, इसका मतलब मींस टू लेट समवन कमिट मिस्टेक, इसका मतलब है टू लेट समवन कमिट मिस्टेक। Have as axe to grind, have an axe to grind होगा, grind का मतलब होगा आपका कि किसी चीज में, ठीक है, किसी कार्य में अपना स्वार्थ देखना, अपना उल्लू सीधा करना, ठीक है, means to have a selfish interest, to have a selfish interest। हिट बिलो द बेल्ट, हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है आपका भाई किसी को गलत तरीके से मारना, ठीक है, या उस पर वार करना गलत तरीके से, अनफेयरली मीन्स टू स्ट्राइक अनफेयरली। द चैंप हिट द कंटेंडर बिलो द बेल्ट एंड द क्राउड बिगेन टू बू लाइक फ्योरी। होल ओवर द कोल्स, होल ओवर द कोल्स का मतलब होता है कि किसी को सबक सिखाना, आप ऐसे यूज कर सकते हो, इसका मतलब किसी को सबक सिखाना, होल ओवर द कोल मीन्स टू टेक टू टास्क, टू टेक टू टास्क ये मतलब होता है इसका। हैंग फायर, हैंग फायर होता है आपका कोई एक ऐसा मुद्दा जो अभी तक सुलझा ना हो, जैसे कश्मीर इशू हो गया, ठीक है, आर्टिकल 370 हो गया, ये सारे क्या हैं, हैंग फायर हैं, अनसुलझा विवाद आप बोल सकते हो, मीन्स रिमेन्स अनसोल्ड।
हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है ठीक समय पर, एग्जैक्ट टाइम पर जो है ठीक एक्शन लेना. मीन्स स्टीक जो है आप बोल सकते हो हिंदी में इसको, स्टीक प्रहार करना हिंदी में इसका मतलब है. मीन्स सही समय पर सही एक्शन लेना. हिट नेल ऑन द हेड मीन्स टू स्ट्राइक एट द एप्रोप्रिएट टाइम और प्लेस. हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर. एक होता है आयरन आपका लोहा, ठीक है, और यदि इसी के पीछे में आयरन्स यानी कि एस लगा देता हूं तो इसका मतलब होता है आपका बेड़ियां, लोहे की बेड़ियां. तो हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर idioms का मतलब होता है आपका कि एक ही समय पर बहुत सारे कामों में सम्मिलित होना या फिर एक ही समय पर बहुत सारे इकट्ठे कामों को करना. डूइंग मैनी थिंग्स एट अ टाइम. होल्ड इन लीश. होल्ड इन लीश का मतलब होता है आपका कि किसी को जकड़े रखना, किसी को बोल सकते हो आप कि हद में रखना, नियंत्रण में रखना, आप इसको ऐसे बोल सकते हो, नियंत्रण में रखना किसी को. मीन्स होल्ड इन लीश. टू रिस्ट्रेन इसका मतलब है इंग्लिश में, टू रिस्ट्रेन. कीप द पोट बॉइलिंग. कीप द पोट बॉइलिंग का मतलब होता है आपका सिर्फ इतना ही कमाना, आप बोल सकते हो कि जितने में आप क्या है गुजारा कर सको, जितने में आप जो है जिंदा रह सको. मीन्स अर्न हार्डली एनफ फॉर लिविंग, कि आपका जो चोला चौका है वो चलता रहे. लाइव वायर. लाइव वायर का मतलब होता है आपका कि पूरी ऊर्जा से भरा हुआ व्यक्ति, ऊर्जावान आप बोल सकते हो, ऊर्जावान, ठीक है, लाइव वायर. या फिर ऐसा कोई व्यक्ति या फिर कोई ऐसा बच्चा जो बहुत ज़्यादा शरारतें करता हो या फिर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं लाइव वायर. मीन्स एनर्जेटिक. लास्ट नेल इन द कॉफिन. लास्ट नेल इन द कॉफिन मतलब कि ताबूत की अंतिम कील. द लास्ट इवेंट ऑफ समथिंग दैट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड टू फेल. लास्ट स्ट्रॉ. लास्ट स्ट्रॉ का मतलब होता है आपका कि आपके पेशेंस का ये लगा लीजिए कि अंतिम पड़ाव. मीन्स जो आपका धैर्य है वो बिल्कुल खत्म होने वाला है. मीन्स आपके धैर्य का अंतिम परीक्षण हिंदी में इसका मतलब है. मीन्स द फाइनल ट्रायल ऑफ पेशेंस. पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स. पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर का मतलब होता है किसी विवाद को, किसी लड़ाई को, किसी मामले को शांत करना. किसी विवाद को शांत करना मीन्स टू पैसिफाई द मैटर्स. पैसिफाई द मैटर्स. पुट अ स्पोक इन अ व्हील. पुट अ स्पोक इन द व्हील का मतलब होता है कि बोलते हैं ना कि सुई लगा के जो हवा निकाल दी टायर की, ठीक है, इसका मतलब हो गया कि जो आपका रास्ता है, ठीक है, आपका जो कोई काम है उसमें क्या कर दी, बाधा डाल दी. ठीक है, बाधा डालना इसका मतलब होता है. पुट अ स्पोक इन अ व्हील मीन्स टू ऑब्स्ट्रक्ट. ऑब्स्ट्रक्ट. डेमोकल्स स्वॉर्ड. डेमोकल्स स्वॉर्ड का मतलब होता है आपका कि कोई ऐसा खतरा जो आप पर मंडराता रहे, मतलब कि निरंतर आप पर जो है बना रहे. ठीक है, जैसे बॉर्डर पर भारतीय सैनिकों के लिए, ठीक है, टेररिस्टों का खतरा, ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो. जो वहाँ के आसपास लोग रहते हैं उनके लिए आप बोल सकते हो. ठीक है, डेमोकल्स स्वॉर्ड मतलब फेसिंग इमिनेंट डेंजर. फेसिंग इमिनेंट डेंजर कि निरंतर खतरे का सामना करना. टू सेट थेम्स ऑन फायर. टू सेट थेम्स ऑन फायर का मतलब है कि
कुछ ऐसा करके दिखाना जो क्या हो, मुश्किल हो, असंभव हो, ऐसा कुछ प्राप्त करना। ठीक है, मीन्स कुछ असंभव प्राप्त कर लेना, इसका मतलब है टू सेट थिंग्स ऑन फायर, मीन्स टू अचीव समथिंग इम्पॉसिबल। अब बात करते हैं कुछ पेयर वाले इडियम्स की। पहला है आपका विल एंड वॉय। विल एंड वॉय का मतलब होता है आपका कि सुख और दुख, मींस विल एंड वॉय, जॉय एंड सोरो, अप्स एंड डाउन। अप्स एंड डाउन का मतलब होता है कि आपके लाइफ में उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, मींस सफलता और विफलता, मीन्स सक्सेस एंड फेलियर, प्रोस एंड कॉन्स। प्रोस एंड कॉन का मतलब होता है आपका कि पक्ष और विपक्ष, इस सेंस में भी हम इसे यूज करते हैं। लाभ और हानि, इस सेंस में भी हम इसे जो है यूज करते हैं। मीन्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, सम एंड सब्सटांस। सम एंड सब्सटांस का मतलब होता है आपका कि कोई भी पोएम है उसका सम एंड सब्सटांस, मीन्स उसकी थीम क्या है, इसका यह मतलब होता है। मीन्स उसका सारांश, यदि मैं हिंदी में बात करूं सारांश क्या है, मीनिंग, जिस्ट और समरी, इंग्लिश में मीनिंग है इसका। फ्लैश एंड ब्लड। फ्लैश एंड ब्लड का मतलब होता है आपका अ ह्यूमन बींग विद हिज नेचुरल लिमिटेशन। फ्लैश एंड ब्लड का मतलब होता है मीन्स कि मनुष्य अपनी प्राकृतिक जो है खामियां, उसमें कमियां होती हैं उसके साथ, हिंदी में इसका मतलब है। फिशीज एंड लॉब्स। फिशीज एंड लॉब्स का मतलब होता है आपका कि सिर्फ मेटीरियलिस्टिक बेनिफिट्स को देखना, मीन्स भौतिक जो होते हैं लाभ आपके, सांसारिक जो लाभ होते हैं सिर्फ उनको देखना। ठीक है, जैसे पैसा हो गया, कोई भी वस्तु हो गई, फिशीज एंड लॉब्स मीन्स मेटेरियलिस्टिक गेन्स या फिर बेनिफिट्स। हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट आप किसी भी रूल के लिए यूज कर सकते हैं, नियम के लिए यूज कर सकते हैं, रूल के लिए। मीन्स हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, किसी भी लॉ के लिए आप यूज कर सकते हैं। हार्ड एंड फास्ट मीन्स स्ट्रिक्ट, सख्त, हिंदी में इसका मतलब है सख्त। टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब होता है आपका कि बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, मीन्स आगे और पीछे, आगे पीछे, मीन्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। कट एंड ड्राइड। कट एंड ड्राइड होता है मीन्स कि आप बोल सकते हो बना बनाया। ठीक है, जो वस्तु थिंग्स आपको बनी बनाई मिलती है उसके लिए आप यूज कर सकते हो कट एंड ड्राइड, मीन्स रेडीमेड, रेडीमेड। अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा एंड ओमेगा का मतलब होता है आपका कि शुरू से लेकर और अंत तक, अल्फा एंड ओमेगा का मतलब होता है मीन्स ए टू जेड, कंप्लीटली ए टू जेड, शुरू से लेके अंत तक। ओल एंड सन ड्राई। ओल एंड सन ड्राई का मतलब होता है कि सबको इंक्लूड करना, एवरीवन, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, विदाउट एनी डिस्टिंक्शन मीन्स एवरी वन, विदाउट डिस्टिंक्शन मीन्स सब बिना किसी भेदभाव के। इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है आपका कि किसी चीज के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देना, विस्तार होता है इसका मतलब, विस्तार पूर्वक, विस्तार में। इन्स एंड आउट का मतलब होता है विस्तार में। ठीक है, मीन्स संपूर्ण बोल सकते हो आप उसके बारे में जानकारी देना, यदि आप किसी के साथ इंस एंड आउट्स इंफॉर्मेशन आप जैसे यूज करते हो, मतलब कि पूरी
जो है विस्तार में जानकारी देना, फुल डिटेल। अब समझ में आ जाएगा आपको फुल डिटेल। फायर एंड स्वॉर्ड, फायर एंड स्वॉर्ड का मतलब होता है आपका कि बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा क्रोध, उसके लिए हम यूज करते हैं फायर एंड स्वॉर्ड। मीन्स एंगर, रेज एंड ड्राइव, या फिर टू गो ऑन अ रैम्पेज। फायर एंड ब्रिमस्टोन, फायर एंड ब्रिमस्टोन का मतलब होता है भाई जो आप मान लीजिए कि गलत काम करते हैं, दुष्ट काम करते हैं, ठीक है, तो उनकी सज़ा आपको जाके मिलेगी नरक के अंदर, ठीक है। तो जो सजाएं आपको दी जाएंगी, पापियों को दी जाती है नरक के अंदर, ठीक है, उन सजाओं के लिए हम यूज़ करते हैं फायर एंड ब्रिमस्टोन। द टॉर्मेंट सफर्ड बाय सिनर्स इन हेल, मीन्स नरक में पापियों द्वारा सामना किए जाने वाली जो पीड़ाएं होती हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं फायर एंड ब्रिमस्टोन। जो आप पीड़ाएं सहोगे उनके लिए यूज करते हैं फायर एंड ब्रिमस्टोन। फॉर एंड वाइड, फॉर एंड वाइड का मतलब होता है आपका कि सब दिशाओं में। सब दिशाओं में मीन्स इन ऑल डायरेक्शन। फॉर एंड नियर, फॉर एंड नियर का मतलब होता है आपका दूर और पास से, फ्रॉम डिस्टेंस एंड नियर अबाउट प्लेसेस, ये तो सिंपल है। नेक्स्ट है आपका स्पीक एंड स्पैन, स्पीक एंड स्पैन का मतलब होता है आपका कि साफ सुथरा, पूरा नीट एंड क्लीन। ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन का मतलब होता है आपका कि लगातार, ठीक है, कॉन्टिन्यूअसली। अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन का मतलब मीन्स बार बार होना, बार बार, बार बार है अगेन एंड अगेन का मतलब रिपीटेडली। नाउ एंड देन, नाउ एंड देन का मतलब होता है कि जब और तब। ऑफन और ओकेजनली भी हम यूज करते हैं नाउ एंड देन के लिए। ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है आपका भी किसी काम को अनियमित। ऑफ एंड ऑन का मतलब हिंदी में होता है कि अनियमित, ठीक है, कभी कभी, ठीक है। ऑफ एंड ऑन वर्क मीन्स कभी कभी काम करना, मीन्स इरेगुलरली, स्पोरेडिक, या फिर इंटरमीटेंटली। इंटरमीटेंटली की स्पेलिंग होती है आपकी आई एन टी ई आर एम आई, इसके बाद होता है आपका डबल टी ई एन टी एल वाई, इंटरमीटेंटली मीन्स रुक रुक कर, ठीक है, यह मतलब होता है ऑफ एंड ऑन का। सिमिलरली होता है आपका वाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, दोनों सेम है आपका, दोनों का सेम मतलब होता है, मीन्स किसी अनियमित होता है, रुक रुक कर, दोनों का मतलब सेम ही है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट और ऑफ एंड ऑन का। बाय हैंड एंड फुट, बाय हैंड एंड फुट का मतलब होता है आपका कि सभी जो है संभव तरीकों से, या फिर हर तरीके से, मीन्स इन ऑल पॉसिबल वेज, या फिर बाय ऑल मीन्स, जो है बाय एंड, बाय हैंड एंड फुट का मतलब होता है आपका। बी हैंड एंड ग्लव, बी हैंड एंड ग्लव का मतलब होता है आपका कि बहुत ही जो है नज़दीक से, मीन्स वेरी नियर, बी वेरी क्लोज, बी वेरी क्लोज इसका मतलब होता है। हर्ट एंड सोल, हर्ट एंड सोल का मतलब होता है आपका पूरे दिल से, पूरे दिल से, मीन्स भक्तों के, सॉरी भक्ति के साथ आप बोल सकते हो इसको, हार्ट एंड सोल, हिंदी में एक और मतलब होता है इसका, मीन्स होल हार्टेडली, या फिर विद डिवोशन। वियर एंड टीयर, वियर एंड टीयर का मतलब होता है आपका टूटा हुआ, ठीक है, क्षति, हानि,
ठीक है, वैसे तो मेनली जो इसका मीनिंग है वो है क्षति या फिर टूटा हुआ, वियर एंड टियर मीन्स डैमेज, डैमेज। सेफ एंड साउंड, सेफ एंड साउंड का मतलब होता है आपका कि सुरक्षित, मीन्स सेफ। आप बोल सकते हो अनहर्ड, फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है आपका कि ईमानदार, ऑनेस्ट, या फिर उचित। इसका एक और मतलब है हिंदी में उचित, मीन्स होनेस्ट एंड जस्ट एंड प्रॉपर। होनेस्ट और एक और मतलब आपका जस्ट एंड प्रॉपर। होल एंड कॉर्नर, होल एंड कॉर्नर का मतलब होता है आपका कि गुप्त जगह से किया जाने वाला, गुप्त जगह से किया जाने वाला, मीन्स बींग इन अ सीक्रेट प्लेस और कंडक्ट सीक्रेटली, जो आपका गुप्त तरीके से किया जाता है, गुप्त जगह से किया जाता है, उसके लिए हम यूज करते हैं होल एंड कॉर्नर। अंडर लॉक एंड की, अंडर लॉक एंड की का मतलब होता है आपका सुरक्षित जगह पर, सुरक्षित जगह पर, मीन्स एट सेफ प्लेस। मूव हेवन एंड अर्थ, मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब होता है आपका भाई किसी काम को करने की कोई कसर न छोड़ना। मूव हेवन एंड अर्थ मतलब कि जो पॉसिबल वे था, जो तरीका था, वो सारे क्या है अपना लिए, मीन्स अपना जो है 100% दे दिया। मीन्स टू डू वंस बेस्ट, आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, या फिर टू लीव नो स्टोन अनटर्न। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी मीन्स हमने ये भी डिस्कस कर लिया है पहले कि जिस पॉलिसी में इनाम और सजा की नीति, आप ऐसे बोल सकते हो इसको कि इनाम और सजा की पॉलिसी या नीति, अ रिवॉर्ड एंड पुनिशमेंट पॉलिसी। पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है आपका कि जिसे अलग न किया जा सके, मीन्स अविभाज्य, अविभाज्य अंग, मीन्स इनसेपरेबल पार्ट, जिसे आप अलग नहीं कर सकते। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब होता है आपका अविश्वसनीय, बी अनरिलायबल। प्ले फास्ट एंड लूज, प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब होता है कि लापरवाह, ठीक है, व्यवहार करना, करना मीन्स टू बिहेव इन अ रेकलेस और इररिस्पॉन्सिबल मैनर। प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, प्ले डक्स एंड ड्रेक्स का मतलब होता है आपका कि बर्बाद कर देना, ठीक है, बहा देना, बर्बाद कर देना, मीन्स वेस्ट कर देना, ठीक है, मीन्स वेस्ट और स्क्वेंडर। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बाय लीप्स एंड बाउंड का मतलब होता है बहुत तेजी से, बहुत तेज या बहुत तेजी से, मीन्स वेरी रैपिडली, वेरी रैपिडली। नल एंड वॉयड, नल एंड वॉयड का मतलब होता है आपका कि अप्रभावी, जिसका कोई प्रभाव न हो, अप्रभावी मीन्स अनइफेक्टिव। रैंक एंड फाइल, रैंक एंड फाइल होता है आपका, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आम आदमी, ऑर्डिनरी मैन। आउट एंड आउट, आउट एंड आउट का मतलब होता है आपका पूरी तरह से, मीन्स कंप्लीटली। फार एंड अवे, फार एंड अवे का मतलब होता है आपका कि ज्यादा डिस्टेंस के साथ, मीन्स ज्यादा अंतर, डिफरेंस के साथ।
विद मच डिफरेंस. हंट हाई एंड लो, हर संभव जगह पर किसी चीज या किसी इंसान को ढूंढना. हंट हाई एंड लो मीन्स टू लुक केयरफुल इन एवरी पॉसिबल प्लेस फॉर समवन और समथिंग. इन एवरी नुक एंड कॉर्नर का मतलब होता है आपका हर जगह. हर जगह मीन्स एवरीवेयर. टच एंड गो का मतलब होता है आपका अनिश्चित एवं अप्रिय नतीजे से संभावित. मीन्स अनसर्टेन एंड विद प्रोबेबली बैड रिजल्ट. डे इन एंड डे आउट. डे इन डे आउट का मतलब होता है आपका कि लगातार कई दिनों के लिए. डे आउट, डे इन एंड डे आउट का मतलब होता है मीन्स फॉर एन इनडेफिनाइट नंबर ऑफ सक्सेसिव डेज. अ डॉग इन द मैंजर. अब हम डिस्कस करेंगे एनिमल कैटेगरी से रिलेटेड. अ डॉग इन द मैंजर का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को जो है उस वस्तु का, उस थिंग्स का यूज नहीं करने देता जिसका मजा वह खुद नहीं उठा सकता, उसके लिए हम यूज करते हैं अ डॉग इन द मैंजर. मीन्स वन हु डजंट लेट अदर्स एंजॉय व्हाट ही हिमसेल्फ कैन नॉट. गो टू डॉग्स. गो टू डॉग्स का मतलब होता है आपका बर्बाद होना. किसी प्लान का, किसी कार्य का, ठीक है, मीन्स बी रुइंड. एवरी डॉग हैज इट्स डे मीन्स हर एक कुत्ते का जो है दिन आता है. आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं मीन्स जो किस्मत है वो कभी ना कभी अच्छी होगी, अभी या बाद में, ठीक है. तो उसके लिए हम यूज करते हैं एवरी डॉग हैज इट्स डे मीन्स गुड फॉर्चून कम्स सूनर और लेटर. गुड फॉर्चून कम्स सूनर और लेटर. रेन्स कैट्स एंड डॉग. एक बात ध्यान रखना, जो आपका ये idiom है इसके साथ हम like का यूज नहीं करते. मीन्स इट रेन्स लाइक कैट्स एंड डॉग, ठीक है. रेन कैट्स एंड डॉग का मतलब ही होता है आपका कि बहुत भारी मात्रा में बारिश होना, ठीक है. तो इसके साथ लाइक का यूज हम नहीं करते, ये ध्यान रखना. आप कई बार आपको दे दिया जाता है सेंटेंस में. रेनिंग हेवनली मीन्स भारी बारिश होना. अ कैट एंड डॉग लाइफ, समझ ही गए होंगे आप. कैट एंड डॉग हमेशा क्या रहती है, दोनों में अनबन, एक दूसरे के दुश्मन. मीन्स जो है एक क्वेरलसम लाइफ जिसमें हमेशा झगड़ा रहे. मीन्स क्लेश भरा जीवन. लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है किसी का कोई सीक्रेट खोल देना या किसी का कोई भेद जो है खोल देना. भेद खोलना इसका मतलब है. मीन्स रिवील द सीक्रेट. बेल द कैट. बेल द कैट का मतलब होता है आपका, भाई आपने कहानी भी सुनी होगी कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा. मीन्स सबसे पहला जो रिस्क होगा, ठीक है, वो कौन उठाएगा, उसका जोखिम कौन उठाएगा. मीन्स टू टेक फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क. ये गलत है. टू बिकम सस्पिशियस नहीं होता, ये होता है टू टेक फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क. ये है बेल एंड बेल द कैट का मतलब. स्मेल अ रैट. स्मेल अ रैट का मतलब होता है आपका कि संदिग्ध होना. संदिग्ध होना. मीन्स टू बिकम सस्पिशियस. From a horse mouth का मतलब होता है कि किसी जो है विश्वासजनक या फिर किसी विश्वसनीय
सोर्सेज से मीन्स स्रोत से आप बोल सकते हो, मीन्स फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स. अ डार्क हॉर्स, अ डार्क हॉर्स का मतलब होता है आपका कि किसी के अंदर जो है छुपी हुई प्रतिभा, आप ऐसे यूज कर सकते हो इसको, या फिर हम ऐसे यूज करते हैं कि अनएक्सपेक्टेड जो है विनर निकल कर सामने आता है, उस केस में हम इसको यूज कर सकते हैं अ डार्क हॉर्सेज को. तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है अ हिडन जीनियस. पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, आप समझ ही गए होंगे, यदि आप घोड़े से पहले जो है गाड़ी होती है, हमेशा जो चैरियट होता है वो घोड़े के बाद में रखा जाता है, ठीक है. यदि आप चैरियट को आगे रखते हो और घोड़े को पीछे, इसका मतलब क्या है कि आप काम को जो है गलत तरीके से कर रहे हो, ठीक है. मीन्स गलत क्रम से कोई काम करना, टू डू थिंग इन रॉन्ग ऑर्डर. लुकिंग अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ का मतलब होता है आपका कि जो आपको कोई गिफ्ट मिलता है, कोई उपहार मिलता है, उसको क्रिटिसाइज करना, उसकी आलोचना करना, मीन्स क्रिटिसाइज अ गिफ्ट. अ स्टॉकिंग हॉर्स, अ स्टॉकिंग हॉर्स का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज का यूज करना जो कोई सीक्रेट जो है उसको छुपाने के लिए, किसी उद्देश्य को छुपाने के लिए यूज होती है, मतलब कि जो किसी के वास्तविक उद्देश्य को छुपाने के लिए हम जिसका यूज करते हैं. मीन्स समथिंग दैट इज यूज टू हाइड समवंस रियल पर्पस, उसे हम उसके लिए idiom यूज करते हैं अ स्टॉकिंग हॉर्स. फ्लॉग अ डेड हॉर्स, फ्लॉग एंड डेड हॉर्स का मतलब है आपका कि ऐसे कार्य में समय बर्बाद करना जो सफल नहीं हो सकता. मीन्स भैया यदि आप मरे हुए घोड़े को चाबुक मारोगे तो आप क्या है, अपनी एनर्जी और अपना समय आप दोनों बर्बाद कर रहे हो और आपको कोई जो है रिजल्ट भी इसका नहीं मिलेगा. मीन्स टू वेस्ट टाइम और एनर्जी टू डू समथिंग दैट विल नॉट सक्सीड. अ वाइट एलिफेंट, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कलर में मैंने आपको बताया था, अब इसमें एलिफेंट भी है इसीलिए आपका जो है एनिमल में भी गिना जाएगा. अ वाइट एलिफेंट का मतलब होता है कि ऐसा कोई महंगी वस्तु यदि आप खरीद लेते हो जो आपके कोई काम की नहीं है और आप उसको रेयरली यूज़ करते हो, लेकिन जो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो ज़्यादा हाई है, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो अ वाइट एलिफेंट. मीन्स एन एक्सपेंसिव बट यूजलेस पोजेशन. अ कोक एंड बुल स्टोरी, अ कोक एंड बुल स्टोरी होता है आपका कि मनगढ़ंत कहानी बनाना, ठीक है, झूठी कहानी बनाकर किसी को सुनाना. मीन्स अ फॉल्स स्टोरी. टेक द बुल बाय हॉर्न्स, टेक द बुल बाय हॉर्न्स का मतलब होता है कि साहसपूर्वक ढंग से, ठीक है, पूरे बोल्ड तरीके से जो है प्रॉब्लम्स का, चुनौतियों का सामना करना. मीन्स फेस चैलेंजेस बोल्डली. अ बुल इन द चाइना शॉप, अ बुल इन द चाइना शॉप का मतलब होता है कि नाजुक हालात में अयोग्य व्यक्ति, मीन्स अ क्लमी पर्सन इन अ डेलिकेट सिचुएशन, जो हालत के क्या इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अनुकूल ना हो. अ फिश आउट ऑफ वाटर, अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है आपका कि आप फिश को पानी से बाहर निकालते हो तो वो क्या करती है, अनकंफर्टेबल महसूस करती है, डिफिकल्ट सिचुएशन में होती है, मीन्स मुश्किल में होना, मुश्किल में होना, मीन्स टू बी इन डिफिकल्टी या फिर टू फील अनईजी, अनकंफर्टेबल. टू फिश इन ट्रबल वाटर, टू फिश आउट, टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर का मतलब होता है आपका कि दूसरों की समस्याओं का फायदा उठाना, ठीक है, मतलब कि बुरे वक्त अगर किसी पे होता है, ठीक है, वो प्रॉब्लम में होता है तो उसका जो है उसका फायदा उठाना. मीन्स टू टेक एडवांटेज ऑफ द ट्रबल्स ऑफ अदर. क्वियर फिश, क्वियर फिश का मतलब होता है कि एक अजीब व्यक्ति, अजीब व्यक्ति, मीन्स स्ट्रेंज पर्सन,
strange person. Have another fish to fry. Have another fish to fry का मतलब होता है आपका कि कुछ और जो है important कार्य होना, कुछ और महत्वपूर्ण काम होना. Means have some more important work to do. उसके लिए हम use करते हैं have another fish to fry. भाई मुझे और भी जरूरी काम है. A bird's eye view. A bird's eye view का मतलब होता है आपका कि सुपरफिशली तौर पर, मीन सरसरी तौर पर किसी को देखना. अ जनरल व्यू आप बोल सकते हो. ईगल आई. ईगल आई होता है आपका कि बहुत बारीकी नजर से देखना, एवरी डिटेल्स पर ध्यान देना. मीन्स अ कीन आई साइट या फिर टू पे अटेंशन टू डिटेल. ठीक है, तो एक कीन आई साइट, बहुत पैनी नजर, ये भी मतलब है ईगल आई का. अ बर्ड ऑफ पैसेज. अ बर्ड ऑफ पैसेज का मतलब होता है आपका कि एक व्यक्ति जो किसी एक जगह पर ज्यादा देर नहीं टिकता. ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं बर्ड ऑफ पैसेज. मीन्स हु डजंट स्टे एनीवेयर फॉर लॉन्ग टाइम. बर्ड्स ऑफ सेम फेदर. बर्ड्स ऑफ सेम फेदर का मतलब होता है कि सेम करेक्टरिस्टिक्स के लोग, मीन्स समान पसंद वाले लोग, उनके लिए हम यूज करते हैं बर्ड्स ऑफ सेम फेदर. मीन्स पर्सन ऑफ सेम लाइकिंग करेक्टरिस्टिक्स. अ वाइल्ड गूज चेज. अ वाइल्ड गूज चेज का मतलब होता है कि बेकार में ही मेहनत करना, बेकार में ही जो है आप प्रयास करना. वाइल्ड गूज चेज, ठीक है, एंड में आपको कुछ नहीं मिलता. यदि आप वाइल्ड गूज चेज, एक फ्यूटाइल एफर्ट, बेकार प्रयास करते हो. एन यूजलेस एफर्ट. अ स्नेक इन द ग्रास. अ स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है आपका कि छिपा हुआ दुश्मन. मीन्स अ सीक्रेट एनिमी, अ हिडन एनिमी. कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर. कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर मीन्स कि इसको हम यूज करते हैं भुखमरी से बचना. ठीक है, गरीबी से बचना. ठीक है, तो हम जो कमाते हैं किस लिए कमाते हैं, टू कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर मीन्स अवॉइड स्टारवेशन. स्टारवेशन क्राई वॉल्फ. क्राई वॉल्फ होता है आपका झूठी चेतावनी. किसी को झूठी चेतावनी सचेत करना. मीन्स अ फॉल्स अलार्म. अ फॉल्स अलार्म. कॉक अ स्नूक. कॉक अ स्नूक का मतलब होता है आपका कि किसी को उपेक्षा दिखाना, अवमानना करना. मीन्स टू शो कंटेम्प्ट, डिसरिगार्ड. कॉक ऑफ द वॉक. कॉक ऑफ द वॉक का मतलब होता है आपका कि जो समूह, मीन्स ग्रुप या स्थिति पर भारी हो. जो किसी समूह या फिर किसी पोजीशन स्थिति पर क्या हो, भारी हो, उसके लिए हम यूज करते हैं कॉक ऑफ द वॉक. मीन्स वन हु डोमिनेट अ ग्रुप और सिचुएशन. फेदर्स वंस नेस्ट का मतलब होता है आपका कि बेईमानी भरे तरीकों से खुद को जो है समृद्ध करना. ठीक है, खुद को लाभ पहुंचाना बेईमानी से. मीन्स एनरिच वन सेल्फ डिसहोनेस्टली. अ ब्लैक ऑक्स. अ ब्लैक ऑक्स होता है आपका मतलब हिंदी में दुर्भाग्य. दुर्भाग्य मीन्स मिसफॉर्चून. अ ब्लैक शीप. मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ब्लैक शीप का मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी वजह से आपके घर वालों को, ठीक है, उस व्यक्ति के घर वालों को जो है एम्बेरसिंग फील हो, शर्मनाक फील हो,
तो उसके लिए हम यूज करते हैं ब्लैक शीप, एक शर्मनाक व्यक्ति, अ डिसग्रेसफुल पर्सन। एज अ क्राउ फ्लाइज का मतलब होता है आपका सीधा, मीन्स स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट। अ सिटिंग डक, अ सिटिंग डक का मतलब होता है आपका बोलते हैं ना कि कहीं बैठा बिठाया जो है शिकार मिल जाए, मीन्स इजी, आसान शिकार, एन इजी प्रे। डोंकीज ईयर, डोंकीज ईयर का मतलब होता है आपका बहुत समय बाद, बहुत समय बाद, मीन्स वेरी लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अस्केप गोट, अस्केप गोट का मतलब होता है आपका कि बलि का बकरा, आप समझ ही गए होंगे इसका मतलब, मीन्स जिसे दूसरों को बचाने के लिए हम जो है एज अ बलि का बकरा यूज करते हैं, ठीक है। वन हु इज पुनिश्ड टू सेव अदर्स, अ फॉल गाय भी बोला जाता है इसको, अ फॉल गाय। लॉयंस शेयर, लॉयंस शेयर का मतलब होता है आपका कि बहुत बड़ा हिस्सा, किसी भी पार्ट का, जमीन का, पैसे का हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा। अ वॉल्फ इन शीप्स क्लोथिंग का मतलब होता है आपका कि कोई व्यक्ति जो होता है, मतलब कि जो डेंजरस पर्सन होता है, ठीक है, वो दिखावा करता है, ठीक है, शरीफ होने का, उसके लिए हम यूज़ करते हैं अ वॉल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, मीन्स खतरनाक व्यक्ति जो हो स्नेहशील होने का ढोंग करे, मीन्स अ डेंजरस पर्सन हु लुक्स अनहार्मफुल और प्रिटेंड्स टू बी फ्रेंडली। शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, शेड क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है कि दिखावटी आंसू बहाना, मीन्स किसी के सामने झूठा दुख व्यक्त करना, शो फॉल्स सोरो। स्मॉल फ्राई, स्मॉल फ्राई का मतलब होता है कि तुच्छ व्यक्ति, means insignificant person। take under wings, take under wings मतलब समझ ही गए होंगे आप कि किसी को आश्रय प्रदान करना, आश्रय प्रदान करना, किसी को shelter प्रदान करना, means किसी को आप बोल सकते हो सुरक्षा प्रदान करना, प्रदान करना, ठीक है। to take under wings means to provide protection या फिर shelter। Carry all eggs in one basket, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसका मतलब होता है कि एक ही काम में, एक ही व्यापार में अपना सब कुछ धन लगा देना, means सब कुछ खतरे में डाल देना, means put everything at risk। Be in one's bonnet का मतलब होता है आपका भाई किसी चीज़ की जो है धुन जो है सवार होना अपने ऊपर, उसके लिए हम यूज़ करते हैं means to be फ्यूजी। बुक वॉर्म, बुक वॉर्म का मतलब होता है आपका किताबी कीड़ा होना, जो सिर्फ पढ़ता ही रहता है हमेशा, मीन्स अ पर्सन इन द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स एंड स्टडिंग। ये नहीं आएगा आपका। नेक्स्ट है फ्लाई इन द फेस ऑफ, फ्लाई इन द फेस ऑफ होता है किसी की अवहेलना करना, उल्लंघन करना। उल्लंघन करना, अवहेलना करना, मीन्स टू डिफाई। रूल द रूस्ट, रूल द रूस्ट का मतलब होता है किसी पर हावी होना, मीन्स टू डोमिनेट। स्वान सॉन्ग, स्वान सॉन्ग का मतलब होता है आपका कि लास्ट परफॉर्मेंस आप कह सकते हो, स्वान सॉन्ग मीन्स अंतिम कृति। रेंगल ओवर एन एज शेडो का मतलब होता है
कि छोटी बात पर झगड़ा करना, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना, ट्रेंगल ओवर एंड नहीं होगा यहाँ पर, एन होगा, रेंगल ओवर एन एज शेडो, मीन्स छोटी बातों पर जो है झगड़ा करना, मीन्स टू क्वेरल ओवर ट्रिफल्स। तो ये थे आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस जो हमने डिस्कस किए हैं, आपके एनिमल से रिलेटेड, ऑब्जेक्ट और वेपन से रिलेटेड, और पेयर से रिलेटेड। तो पेयर हो गए आपके, एनिमल हो गए कैटेगरी में, वेपन हो गए इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए। और यदि तक अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जो वीडियो की अपडेट्स है वो आप तक पहुँच सके। और यदि आपको वीडियोज़ हमारे चैनल के अच्छे लगते हैं और चैनल पर कोई आप कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम नंबर 9034793107 पर जो है कर सकते हैं, 9034793107 पर। सो थैंक यू गाइज, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।